प्रॉब्लम फोर पॉइंट ट्वेंटी वन फंक्शन एफ ए टू बी फंक्शन जी बी टू सी ए पार्ट में गिवन है एफ एंड जी आर वन टू वन देन कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ एफ इज वन टू वन यानी एफ जी वन टू वन है तो प्रूव करें कि ये जो कंपोजिशन फंक्शन जी ऑफ एफ है ये भी वन टू वन है वन टू वन के लिए हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई और प्रूव कर देंगे x इक्वल टू वाई सपोज़ कर ले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी ऑफ एफ ऑफ वाई के अब देखें ये इक्वल आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये इक्वल आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ वाई अब ये जो फंक्शन जी है ये वन टू वन है इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर जी वन टू वन है तो फिर ये जो एफ़ ऑफ एक्स है ये इक्वल आ जाएगा एफ़ ऑफ वाई के अब देखें ये जो फंक्शन एफ़ है ये भी वन टू वन फंक्शन है इसलिए एक्स इक्वल टू वाई आएगा इस डेफिनेशन के मुताबिक देखिए हमने इन दोनों को इक्वल लिया था और प्रूव कर दिया कि ये एक्स इक्वल टू वाई है तो बाई दिस डेफिनेशन ये जो जी ऑफ एफ है ये वन टू वन होगा बी पार्ट में है कि एफ और जी ऑन टू फंक्शन है प्रूव करना है कि g ऑफ f भी ऑन टू फंक्शन है तो देखें फंक्शन f a से b पे है और फंक्शन g b टू c है ये फंक्शन g ऑन टू है इसलिए ये जो c इस सेट c का एलिमेंट है इसके लिए एक एलिमेंट b सेट b को बिलोंग करेगा जिसके लिए g ऑफ b इक्वल आएगा c के ऐसे ही ये फंक्शन f भी ऑन टू है इसलिए ये जो B एलिमेंट सेट B को बिलोंग कर रहा है इसके लिए एक A सेट A में एग्जिस्ट करेगा सच डेट एफ ऑफ इक्वल टू बी आएगा अब देखें इस C के लिए हमें ये A सेट A में मिल गया जिसके लिए G ऑफ एफ ऑफ इक्वल आ जाएगा C के अब इस डायग्राम से ये शो हो गया कि सेट C के हर एलिमेंट के लिए हमें एक एलिमेंट सेट ए का मिलेगा जिससे जी ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल आ जाएगा सी के इसलिए ये जो फंक्शन जी ऑफ एफ है ये ऑन टू फंक्शन होगा प्रॉब्लम फोर पॉइंट ट्वेंटी टू फंक्शन एफ़ ए टू बी फंक्शन जी बी टू सी ए पार्ट में गिवन है जी ऑफ एफ इज़ वन टू वन प्रूव करना है एफ़ इज़ वन टू वन सपोज कर लें एफ इज़ नॉट वन टू वन अगर एफ वन टू वन नहीं है तो फिर हमारे पास सेट ए के दो एलिमेंट होंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे यानी एक्स नॉट इक्वल टू वाई लेकिन इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए जो एफ का इमेज है वो इक्वल आ जाएगा यानी एक्स नॉट इक्वल टू वाई फॉर विच एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई अब देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अब एफ ऑफ एक्स इक्वल है एफ ऑफ वाई के तो इसकी जगह एफ़ ऑफ वाई आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास g ऑफ f ऑफ y। देखिए हमने x नॉट इक्वल टू y लिया लेकिन g ऑफ f ऑफ़ x इक्वल आ गया g ऑफ f ऑफ y के ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं इनके लिए g ऑफ f का जो इमेज है वो सेम आ गया इससे क्या चीज़ प्रूव हुई कि g ऑफ f इज नॉट वन टू वन लेकिन हमें गिवन है कि g ऑफ f इज़ वन टू वन विच इज़ कंट्राडिक्शन बिकॉज गिवन है कि जी ऑफ एफ इज वन टू वन सो आवर सपोजिशन इज रोंग ये जो हमने स्पोज किया था कि एफ़ इज़ नॉट वन टू वन ये रोंग हो गई तो इम्प्लाइज़ एफ इज़ वन टू वन फिर एफ वन टू वन होगा बी पार्ट में गिवन है जी ऑफ एफ इज़ ऑन टू शो करना है जी इज़ ऑन टू इफ़ ए बिलोंग टू एन जी ऑफ एफ ऑफ एक्वल होगा जी ऑफ एफ ऑफ ए यह एलिमेंट है जी ऑफ सेट बी का तो यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ सेट ए ये सब सेट बन गया जी ऑफ सेट बी का ये किस तरीके से एलिमेंट बनता है इस डाइग्राम को देखें यह सेट ए है ये सेट बी ये सेट सी फंक्शन एफ ए टू बी है समाल ए सैट ए का एलिमेंट है अंडर एफ इसका इमेज आएगा एफ़ ऑफ ए ये एलिमेंट है सेट बी का तो एफ़ ऑफ ए को लेट कर लें यह बी के इक्वल है अब फंक्शन जी बी टू सी है तो बी का इमेज अंडर जी यह जी ऑफ बी आएगा अब बी इक्वल है एफ ऑफ ए के तो बी की जगह एफ ऑफ ए लिखते हैं तो ये बन गया जी ऑफ एफ ऑफ ए अब ये इस ए का इमेज है अंडर जी ऑफ एफ ऑफ ए तो देखें जी ऑफ एफ़ ऑफ ए बी इसी सेट का एलिमेंट है जी ऑफ बी भी इसी सेट का एलिमेंट है तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जी ऑफ एफ़ ऑफ सेट ए ये सबसेट है जी ऑफ बी का ये जी ऑफ बी के एलिमेंट इसमें है और जी ऑफ एफ़ ऑफ सेट ए ये भी इसी में है तो जी ऑफ एफ ऑफ सेट ए सबसेट हो गया जी ऑफ सेट बी का हमने शो करना है कि जी इज़ ऑन टू सपोज कर लें जी इज नाट ऑन टू अगर जी ऑन टू नहीं है तो फिर हम जी ऑफ बी लेंगे तो वो सेट सी के इक्वल नहीं होगा बल्कि इसका प्रॉपर सबसेट होगा अगर जी ऑफ बी प्रॉपर सबसेट है सी का तो फिर ये जो जी ऑफ एफ ऑफ सेट ए है ये भी हमारे पास सेट सी का प्रॉपर सबसेट बनेगा तो यहाँ से शो हो गया कि जी ऑफ एफ इज नाट ऑन टू विच इज़ कंट्राडिक्शन बिकॉज हमें गिवन है कि जी ऑफ एफ इज ऑन टू बिकॉज जी ऑफ़ एफ इज ऑन टू सो आवर सपोजिशन इज रोंग एम्प्लाइज जी इज़ ऑन टू